पता नहीं इसकी हंसी कब नसीब होगी। तो तुम भी सऊदी गए थे, श्रीराम कैसा है? वो तो वहां पर मैनेजर का मैनेजर बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसा दोस्त पाकर मैं सच में गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका तुम जैसा दोस्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अंकल? और नहीं तो क्या कहूँ, जिम में जब देखो मार धाड़ और गुंडे दिखते हैं। लाइफ में यही उठा पटक करते रहोगे या सेटल होने के बारे में भी कभी सोचोगे? धीरे धीरे सेटल हो जाऊंगा ना। हमारा कुछ नहीं होगा, श्रीराम को देखो, उसकी वजह से आज रिटायर होकर मैं आराम कर रहा हूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है, अपनी बहन की शादी करवा रहा है और इसे स्पोर्ट्स पर्सन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब अपने दोस्त को देखकर तो कुछ सीख। उसे और आपके परिवार को देखकर बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरे जीवन में आप लोगों ने प्यार भर दिया है। क्या? तुम कभी नहीं सुधरोगे। हर इंसान के जीवन का एक टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे जीवन का भी एक बड़ा टारगेट है। और वो क्या है? यही कि जीवन में कोई टारगेट मत रखो। कैसी खोपड़ी है तुम्हारी। आप शांत से बैठ जाइए ना, मैं आपको श्री के भेजे हुए गिफ्ट देता हूँ। ये आपके लिए। शिरीषा को शादी में चमकाने के लिए पूरा ब्यूटी पार्लर भेजा है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए है। मुंह लटका के क्यों खड़ी हो, उसने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट भेजा है। ये लो और स्माइल करो। अरे वो तो एक हफ्ते में इंडिया वापस आ रहा है, फिर उसने तुम्हारे हाथ ये सब क्यों भिजवाया? वो कहना उसने ज्यादा खरीदारी कर ली है, थोड़ी मैं लेकर आ गया। स्वागत है। हाँ, ये आइटम बॉय कौन है? अरे अंकल है। हेलो, शक्ल से रईस लगते हैं। बिजनेसमैन है, 10 लाख शेयर्स में, 50 लाख रियल एस्टेट में और 20 लाख फूड इंडस्ट्री में। इन्होंने कमाए? नहीं गवाए। मेरा मतलब है अभी तक वापस पाने का कॉन्फिडेंस नहीं गवाया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, तेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। कैसे देखता तू मुझे? पहले तो तू बहुत छोटा था। जब मैं यहाँ आता था तो मैं दाढ़ी रखता था, धूप में चल के आता था ना, इसलिए चेहरा काला पड़ जाता था। तू समझ गया होगा, समझदार बच्चा है। गुड गुड गुड। अरे मुझे एक अटैक आ गया तो क्या मैं खांस भी नहीं सकता? अब मुझे पेशेंट बनाकर मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। ससुर के टुकड़े पर पलने वाला घर जमाई, उठ यहाँ छोड़। हार्ट अटैक से नहीं, तेरे अटैक से मरेंगे। मुझे तो लगा आप गए। हाँ ओके ओके। श्रीषा, श्रीराम का कुछ जरूरी काम है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है, फिर उसे मेल करना है। अरे अरे, एक हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट है, तुम उसे बाहर कहाँ ले जा रहे हो? मेघना को ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ले भी नहीं जाऊंगा। अरे 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 अरे, तुम लोग कब बड़े हो गए? चली जाओ बेटी, घर का ही काम है। पर मेरी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो कल चल बे। हाँ मेघना, कल नहा धो लेना। रुक रे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। तुम और बड़े? यस, तुम्हें शक है? उल्टू। सुनो, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? पूछूं ना? पूछना। शादी के बाद आदमियों के पैर उल्टे होते हैं या नहीं, आज रात मुझे देखकर बताना। शादी के बाद आदमी के पैर सीधे नहीं तो क्या उल्टे होंगे? मुझे उल्टा सबक सिखा रहे हो तुम भी ना। ये कब फुसका? वो तो कब के निकल लिए। जानू भानू, आज अपनी शादी की सालगिरह है ना? वो मनोज दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सो जाओ। बीबी, क्या मेरे पैर सीधे हैं? नहीं, टेढ़े हैं। ध्यान से देखो, खुद ही देख लो ना। चलो अब सो जाओ। जानू, अब क्या हुआ भानू? रात के 12 कब के बज चुके हैं? 12 बज गए। ऐसे उंगली मत करो वरना कब 1 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पैर सीधे है ना? नहीं, अभी भी टेढ़े हैं। गलत जवाब। सो जाओ, कोई ऑप्शन नहीं। तुम सो गए क्या? क्या मेरे पैर सीधे हैं? तेरी सिस्टर कहाँ है मुन्ना? वो तो अंदर होगी कहीं। तुमने मेरे बापू को चैलेंज किया था ना, वो दुनिया की कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तेरे डायलॉग में दम है लेकिन बापू पानी कम है। मेरे बापू की काबिलियत देखो बापू। तुम्हारे सवालों के हिसाब से मैंने पैरों की सभी पोजीशन ट्राई की लेकिन मेरा पैर सीधा था। कुत्ते की तरह टांग उठाया फिर भी मेरा पैर सीधा ही था। और जब 3 बजे मैंने दोनों पैर उठाए, खटिया पकड़ के उल्टी ले लेते थे। मतलब कल रात को तुम कुछ नहीं कर पाए ना? बेटा तू जरा बाहर जा। चल रहे? हाँ जा रहा हूँ। शादी की सालगिरह 4 साल बाद आती है, वो भी तुमने टांग उठा के बर्बाद कर दी। अगले 4 साल तक तुमने टच भी किया था टांगे तोड़ दी। श्रीदेवी, 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 बन्नी सुन रे। बोल रे, तूने आप उनको चूना लगाया ना, जो मैं नहीं कर पाया तूने कर दिया। 1 मिनट और दाल भात खा के मैं थक चुका। इतना ही नहीं, मेरे मैके से जो खर्चे के लिए आता है ना वो भी कट। हाँ। अरे तूने मेरी बदले की भावना को जगा दिया है। सो जाओ, रात को जागे हो। अरे तुम अब भी यहाँ हो, तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस नाम की चीज है या नहीं? अगर इस गधे के पास कॉमन सेंस होता तो ये गधों का सरदार होता। और तुम भी इसे समझा नहीं सकते क्या? इसको समझाने से अच्छा है कि मैं थोड़े के जाने नहीं। देखिए
मुझ में अच्छाइयां हैं, सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया। मेट्रो का काम चालू है ना, इसलिए लेट हुआ। देखो ये श्रीराम का काम है, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। नहीं होगी, डू नॉट फिकर, नहीं होगी। तू मैं चूरन दे रहा था, मुंह बंद। सुनो सूर्या, मेघना को संभाल कर लाना, वन पीस में लाऊंगा। सुनो बेटी, उस चिरकुट के साथ बाइक पे जा रही हो ना, तो थोड़ा पीछे होके बैठना। घबराइए मत, मुझे फुल एक्सपीरियंस है। गरम पतीले पर बटर भी आसानी से पिघल जाता है, तुम तो फिर लड़की हो। मैं बटर नहीं लोहा हूँ। बहुत हो गई बटरबाजी, तुम उसे छोड़ोगे तो मैं ले जाऊंगा ना। चलो गाड़ी रिवर्स गियर में डालो, यू टर्न मारो, चलो चलो चलो। बेटा मुझे ये बहुत बड़ा झोलर लगता है, इसे रंगे हाथों पकड़ कर मुझे अपने चरित्र पे 4 चांद लगाने हैं। बापू आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। दोस्तों ये मेरी बटन जैसी आंखें, सीसी कैमरा है, इससे सब कुछ दिखता है। बाइक जरा साइड में लगाओगे प्लीज। यहाँ कहीं कोपचे में चलते हैं ना, वहाँ जो करना है कर लेना। छी, तुम्हारी सोच ही गंदी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं जानती, कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सॉरी मेघना, तुम्हारे घर वालों से मैंने झूठ कहा, मैं तुम्हें भगा कर ले जा रहा हूँ, यही सुनना चाहती हो ना तुम? कितना गंदा जहन है तुम्हारा। चलो बैठो। ए, तेरे जिम का क्या हाल किया था याद है ना? अब इधर तेरा भी वही होगा। इसने तो कहा था ये हमें दुनिया से उठा देगा। क्यों रे, बोलती बंद हो गई, अब बोल ना। कोई दूध पीता बच्चा भी तुझे देखकर नहीं डरेगा दड़ियल। तू किसी कार्टून फिल्म के विलन की तरह दिखता है। हीरो तो मैं हूँ, मैं बैंड बजाऊंगा तुम लोगों के। क्या बोला तू मुझको? ए इसको हुल दे। ए तू उड़ता प्लेन क्यों पकड़ रहा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। अबे डर क्योंकि ये राजा शैतान सिंह के चेले का पंजा है। अब पड़ेगा शेर का पंजा, होने वाला है ये गंजा। बोल अब, बोलती बंद हो गई। मेरे 10 तक गिनने से पहले सब लोग एक एक करके 9, 2, 11 हो जाओ। अगर कोई मुझे यहाँ दिखाई दिया तो मैं उसके 12 बजा दूंगा। देन डोंट टेल मी। शुरू कर, मैं भी तो देखूं तू कितना पढ़ा लिखा। ए, तूने 10 से शुरू कर दिया। तुम्हारे उल्टे दिन शुरू गए इसलिए उल्टी गिनती कर रहा हूँ। 9, गुजराती 9, 8, मराठी 7 और ये 5। अबे 6 किधर गया? अरे गलती। काशी अंकल, आप अकेले 100 पे भारी हो, सालों को संभाल लेना। ए शाने इधर आ, जाने दो ना। आता हूँ। लगता है ये उस चिकने का बॉस है, इसी को लपेट लेते हैं। ए पुकनी के, हम तेरे को बुला रहे हैं और तू भागने की कोशिश कर रहा है। सर मैं भाग नहीं रहा था, हल्का होने जा रहा था। नाम क्या है तेरा? शिवकाशी। तो क्या शिवकाशी में पटाखे बनाता है? बनाने की क्या जरूरत है, मैं किसी पटाखे से कम हूँ। चुप कर, नहीं तो यहीं फोड़ दूंगा। आप मेरे सर पे बैठोगे तो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, थोड़ी दूरी बनाए रखो। ए पुकनी, तेरा उससे क्या कनेक्शन है? इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा कॉमेडी कर रहा है? मेरा आदमी नहीं, वो बाइक वाला। आपकी कसम नहीं जानता। तो उसने क्यों कहा काशी अंकल भाग जा, यही कहा था ना? माँ कहती थी भाभी को छोड़ के भाग जा, बाप कहता था घर छोड़ के भाग जा, दोस्त कहते थे लड़की मार के भाग जा। राम कहानी नहीं, ये बता तू कौन है, वरना ये बता के वो कहाँ मिलेगा। भाई अगर वो मेरा भतीजा होता तो उसकी खबर मैं जरूर देता। भाई मेरे लिए काम करोगे क्या? क्या अगर वो आपको कहीं दिखे तो मुझे एक मिस कॉल दे देना। नंबर नोट करो, 9420420 लिखा। झोल झाल टेलीकॉम सर्विस, चोर बाजार से लिया। रिंग टोन चोर 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 चोर। क्या कहा? तुम गेम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे? नहीं। अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें चैंपियन बनाने के लिए कितना पैसा बहाया है और तुम हो कि नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती? लगता है इस उम्र में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेघना, भैया को पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा, जरा सोच कर तो देखो। इसमें सोचना क्या है, इसे पार्टिसिपेट करना होगा। नहीं डैडी, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं खेलूंगी। मेरी होनहार और चैंपियन बेटी नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर रही है। मैंने क्या किया अंकल? तो फिर किसने किया? तुमने उसे बहकाया होगा, जलेबी की तरह सीधा ही है। मैं बात करूंगा, मैं समझाता हूँ ना। मेरे भाई को फांसी की सजा दी जाने वाली है और ऐसे में मैं अपने गेम पर कंसंट्रेट कैसे करूं? सुनो, पुराने हिंदी फिल्मों के घिसे पिटे डायलॉग मत रटो। तुम्हें क्या लगता है कि जिनका खून का रिश्ता होता है सिर्फ उन्हीं को आंसू बहाने का हक है? तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हमारा क्या रिश्ता है, वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं ही उसके लिए सब कुछ। तुम तो काफी इमोशनल हो गई। इमोशनल नहीं हुई, मैं कुछ सोच रही थी।
तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी है। खोखली फ्रेंडशिप है। खोखली कहती हो? काफी लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करनी चाहिए, हमें दुश्मन बनाना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हिसाब से ग्रेट फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए? लव को दोस्ती के लिए डोनेट कर दे, बाइक रेस खुद जीत रहा हो तो मेरे लिए हार जाए, मैं यहाँ गिरूँ तो दर्द उसे हो, यही ना इसे फ्रेंडशिप कहती हो? मेघना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। श्रीराम वापस आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। श्रीराम तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता था, जब वो आएगा क्या जवाब दोगी? कम ऑन, स्टार्ट प्रैक्टिस। चलो मेरे साथ। नहीं जाएगी, ये तेरे झांसे में नहीं आने वाली। तेरे जैसे सड़क छाप बहुत आशित देखे मैंने। तू समझता क्या अपने आप को? तू मेरे बाजू में आगे खड़े रहे क्या रे? खुद को समझता क्या है तू? क्या कर रहेगा तू मेरा? बोल ना। काशी अंकल, आप इतने चिड़चिड़े, तमतमाए और बौखलाए क्यों हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट फेल हो जाए। यहीं खड़े रहिए। मेघना, अंकल के लिए बीपी की टैबलेट लाओ। जाओ। बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये गोली मैं नहीं, तू खाए। लगी जोर से? मर्द को दर्द होता है। तो फिर आपको इतना इमोशनल होने किसने कहा था? मेघना के साथ तुम्हें अकेला देखकर इमोशन आ गया। तुम सनी की तरह इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो? ये सनी कौन है? सनी को नहीं जानते? याद आ गया, बड़ी मुझे सीना तान के चिल्लाता है। सही कहा, पर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैं तेज खाता है वे। क्या कहा था तुमने? मुझसे पंगा लेगा। ले 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 ले, धक्का मारा था ना मुझे, मार मारना धक्का मार मुझे, मुझे हाथ लगाता है साले। अभी तक आई नहीं है, दो चार। अरे काशी अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, वो आती होगी, आपके हार्ट को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। दो दो, अरे बीपी की गोली दो। लो 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 लो, खाओ 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 ना। ये टॉफी की गोली नहीं है, जाओ पानी लेकर आओ। जाओ जाओ, तुम जाओ वरना ये मर जाएंगे। जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ और लेट आओ। सही से छू, सही से छू, मार मार खुद को मार। पहले ही तुम इस घर के माल को काफी लूट चुके हो। आइंदा अगर मेघना के बाप को बिजनेस या डील के बारे में चुना लगाया तुम मेरे कान के नहीं। वाटर और टेबलेट की जरूरत नहीं है, धूप में खड़े खड़े अच्छे हो गए हैं। काशी अंकल इसे कह दीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं ठीक हूँ। जाओ जाओ लेकर जाओ, लेकर जाओ। I'm ready. Good. Hey, मेघना. That's good. Thank you. ये तो तैयारी नहीं थी, पर अचानक कैसे? ये सब शिव काशी अंकल का जादू है। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने प्यार से समझाया, क्योंकि किसी ने मुझे भी प्यार से समझाया था। प्यार बांटते चलो, गेम खेलते चलो। काशी अंकल, शिव काशी अंकल, काशी अंकल, कमाल का हुनर है आप में, क्या समझाया है? चलो मैं ना। बाय।